अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच और बिहेवियरल मैनेजमेंट अप्रोच की बात की हुई है और उसके कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच की। ये अप्रोच क्या है, ये किस काम आती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच की, तो क्वांटिटेटिव का मतलब ये होता है कि क्वांटिफाई करना, किसी चीज को क्वांटिटी में काउंट करना। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मैनेजर्स की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और इसमें ज्यादातर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज होते हैं। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हमेशा हमेशा जब भी नाम आता है तो हम कहते हैं कि ऐसी टेक्निक्स जिनके जरिए हम किसी चीज का जो है वो क्वांटिफाई कर सके, किसी भी चीज को उसकी क्वांटिटी मालूम कर सके या उसकी क्वांटिटी में हम उसको सेट कर सके, तो इस हवाले से हम इसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। और इस अप्रोच को जो है वो ऑपरेशन रिसर्च ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के हवाले से भी लेबल किया गया है, और इसमें स्टैटिकल मॉडल्स आ जाते हैं या एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स आ जाती है, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स आ जाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स जिसके जरिए हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंफॉर्मेशन मॉडल्स आ जाते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन आ जाती है। हाउ डू टुडेज मैनेजर्स यूज द क्वांटिटेटिव अप्रोच, आजकल के मैनेजर्स क्वांटिटेटिव अप्रोच को कैसे यूज कर रहे हैं। आजकल के दौर में मैनेजर्स के लिए बहुत सारी चीजें चैलेंजिंग हो गई हैं। ये बहुत ही कॉम्पिटेटिव इरा चल रहा है जिसमें मैनेजर्स के लिए बहुत मुश्किलात आ गई है या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के हवाले से। जो जो नई चीजें आ रही हैं मार्केट में, न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, तो उस हवाले से मैनेजर्स बहुत ही कॉन्शियस रहते हैं किसी भी चीज के हवाले से डिसीजन मेकिंग करने में। लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि हम प्लानिंग करते हैं या हम कंट्रोलिंग करते हैं, उसके हवाले से ये दो अहम एरियाज हैं जिसमें ये डिसीजन मेकिंग होती है। डायरेक्टली ये अप्रोच जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जब मैनेजर्स बजट बनाते हैं, वो शेड्यूलिंग करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की जब भी बात करते हैं या इस किस्म के जो है वो डिसीशंस लेते हैं, तो वो रिले करते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि ये टेक्निक्स उनको हेल्प करती है कि वो ये सारी चीजें कर सकें या इन सारी चीजों को करने में मैनेजर्स को आसानी हो सके। तो आजकल के दौर में ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब हम बात करेंगे तो मैनेजर्स इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और इन सारी चीजों में वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं और उसके हवाले से उसको देख के वो डिसीजन मेकिंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी होती है। ये ब्रांचेस हैं क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट की, जिसमें मैनेजमेंट साइंस आ जाती है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है। ये तीन ब्रांचेस हैं क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट व्यू पॉइंट की, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट साइंस के हवाले से, तो ये मैनेजमेंट साइंस जो है वो हेल्प करती है इंक्रीजिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस, जिसके जरिए हम करते हैं सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स, मैथमेटिकल मॉडल्स या स्टैटिकल मॉडल्स हम इसमें यूज करते हैं मैनेजमेंट साइंस में। ये व्यू पॉइंट है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच का पहला, जिसको हम और सिंपल अगर कहेंगे तो मैथमेटिक्स और स्टैटिकल मॉडल्स यूज होते हैं। कोई भी अगर हम डिसीशन इफेक्टिवनेस करना चाहते हैं या इंक्रीजिंग डिसीशन इफेक्टिवनेस करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके हवाले से इस अप्रोच का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करेंगे, ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये सेकंड व्यू पॉइंट है क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट अप्रोच का, और ये लिंक्ड होता है जो प्रोडक्शन डिलीवरी है या जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हवाले से। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी डिलीवरी के हवाले से
जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है ये अप्रोच, इसको हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट कहते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का एक अलग से सब्जेक्ट भी है, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी एक लेक्चर बनाऊं, लेकिन ज्यादातर इसका काम जो होता है ये डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे होता है, और उसकी आसानी के लिए ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट इस्तेमाल होता है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन या सर्विसेज की डिलीवरी को और आसान करें और इफेक्टिवली जो है हम इन चीजों को कंप्लीट करें। और तीसरा जो व्यू पॉइंट है ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, जिसका जो ज्यादातर फोकस होता है, जिसका ज्यादा ध्यान होता है वो इस चीज पे होता है कि डिजाइनिंग हो कैसी होनी चाहिए या इम्प्लीमेंटेशन, जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जिसको मैनेजमेंट में यूज किया जाता है वो किस तरह से होनी चाहिए। ये दो अहम चीजें हैं जिन पे इनका ज्यादातर फोकस रहता है, जो कि डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जो कि मैनेजमेंट में यूज होते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। आजकल की ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा रिले करती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के सिस्टम्स के ऊपर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली जो है वो कंप्यूटर बेस्ड कैसे वो काम करे और कैसे वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्मूथली एक नेटवर्किंग सिस्टम का निज़ाम होना चाहिए जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज को और आसानी हो सके। तो इसका काम जो है बेसिकली डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि मैनेजमेंट यूज करती है। अब सबका बहुत शुक्रिया, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुदा हाफिज़।